विशिष्ट प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी को का स्वागत करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर हमने शुरुआत की है। सर्वप्रथम 33 दशकों से अपनी पुलिस विभाग में सेवा दे रहे वर्तमान में ग्यारहपुर थाना प्रभारी दीप शुक्ला जी से आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे और उनके अनुभव आपसे साझा करेंगे। साथ ही ये इंटरव्यू खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो पुलिस विभाग में अपनी रुचि रखते हैं, साथ ही अपनी सेवा देने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, उनको काफी अनुभव प्राप्त होगा। मैं आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ कि वर्तमान में 11 पदस्थ TI एवं थाना प्रभारी प्रदीप शुक्ला जी लगभग 30 वर्षों से पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं और लगभग इन्होंने 30 थानों में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी के समय भी PSQ भोपाल में ये अन्य गैस त्रासदी समय अपना मोर्चा संभाला था। साथ ही गंजेवासदा में हुए HM के समय भी ये गंजेवासदा में उपलब्ध रहे। इसी के साथ कई बड़े बड़े जुर्मों का इन्होंने खाता किया और इनके मुजरिम आज भी कई ऐसे मुजरिम हैं जो जेलों में सजा काट रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम आपको मिलवाते हैं। एक्चुअली मैं मेरी शिक्षा दीक्षा जो है सागर जिले में हुई, सागर लोकल बराबर में हुई। और सागर बराबर में हमारा जो मकान था सनीजी जो एक मकान था उसके नीचे से, तो सागर में सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था PDC, जिससे उस समय PDC कहा जाता था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम से। तो PDC में जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुआ करती थी तो उसके ट्रेनिंग वहीं करते थे और प्रतिदिन शाम को मतलब कंटिन्यूस ट्रेनिंग चला करती थी। एक आदमी ने गैप होकर फिर नया बैच आता था तो कंटिन्यू ट्रेनिंग जो है वो PDC कॉलेज जो परकोटा में स्थित है सागर में, वहाँ से और पुलिस PDC ग्राउंड जो है वो पीली कोटी के पास नीचे स्थित है, तो PDC ग्राउंड में भी खेल के कार्यक्रम के लिए प्रतिदिन शाम को टोली बना के 4-5 टोली निकलती थी और वो वापस लौटती थी। और PDC ग्राउंड में भी उनकी खेलकूद चला करते थे, मैं भी हाथ खेला करता था तो PDC ग्राउंड में खेलने जाया करता था। तो उनको देख के मेरी इच्छा ये हुई थी कि मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हूँ, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि हम इंटरव्यू देते थे 1981 से मैंने इंटरव्यू देना शुरू किए थे। परीक्षा और उस समय साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ करता था, रिटन परीक्षा साइकोलॉजिकल टेस्ट और जिस सब में हम क्लियर हो जाते थे, लेकिन मेरा शरीर काफ़ी दुबला पतला था, इस कारण से मैं पर्सनल इंटरव्यू में अक्सर कर रह जाता था। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता था कि चूंकि ये इसकी भर्ती हर साल निकलना करती थी, तो मैं सोचता था कुंभ का मेला तो है नहीं, 12 साल में एक बार भरेगा, हर साल भरता है, हर साल हम कोशिश करेंगे। और हम लगातार कोशिश करते करते 87 की बैच में मेरा चयन हुआ। उस बैच में क्या था कि अधिकांश 99 लड़के चयनित हुए थे, 99 लड़कों में अधिकांश सब दुबले पतले थे, इस कारण से मेरे को अवसर मिल गया कि शायद उस बैच में मैं चुना गया। और तब से मैं 87 में मैंने प्रशिक्षण किया था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से और सागर से, और उसके बाद से लगातार सेवा में रहा। मेरी पहली पोस्टिंग गोरखपुर जबलपुर एज ए प्रोफेशनल हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश फिर मैंने यहाँ दिशा ट्रांसफ़र करा दिया था। तो 88 से 88 से और 2004 तक मैं लगातार विदिशा जिले में रहा, और 2004 विदिशा जिले में भी कई ऐसे प्रकरण हुए जब मैं 79 का थाना प्रभारी था, तब वहाँ डकैती हत्या से डकैती लगी थी, 2 महिलाओं को DJ लाल के जिंदा जला दिया गया था। तो बिरिहाई के कंजरों के द्वारा ये वारदात की गई थी, उस विवेचना की इन्वेस्टिगेशन मैंने किया था, मेरे साथ और SDP साथ थे, सहयोग में SDP साथ भी रहे थे, तो मेरे द्वारा वो डिटेक्ट भी किया गया था और बिरिहाई के कंजरों को मैं गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया था। इनकी ट्रायल कुछ अभी कंजर बकाया है तो कुछ की निराकरण हो गया, लेकिन ट्रायल अभी चल रही है। इसी प्रकार एक उसके बाद पोस्टिंग के बाद एक और डकैती हुई थी, अत्याचार एक ब्राह्मण को मार दिया था, वो 79 कला गांव के पास में गांव है, वो उस डकैती को भी ट्रेस जो पवन जैन साहब SP थे और उनके समय में भी मेहनत करके प्रयास करके मैंने उस डकैती को डिटेक्ट किया था। वो भी अत्याचार डकैती थी, ब्राह्मण को मार दिया था, वो जंजाली की कंजरों के द्वारा वारदात की थी, प्रभारी के पद पर था
तो वहाँ एक घटना घटित हुई कि ग्रामीण के एक बाबा की कुटिया में हत्या कर दी गई थी। वो उसकी लाश वहाँ बाबा की कुटिया पड़ी थी और बाबा भी घायल अवस्था में था, जो बाहर बैठा हुआ था, आग ही दाब रहा था। गाँव वालों ने आके बताया कि साहब जी बाबा की जो मृतक है वो बाबा की सेवा करता था, दूध पीता था, खाना पीना बनाता था, उनकी सेवा में लगा रहता था और उसकी हत्या कर दी है। वो बाबा से पूछते तो बाबा हमें बताने की जगह में बल्लम लेके मारने को होता है। और वहीं पे एक बाबा और कहने लगे पड़ा हुआ है जो घायल अवस्था में है लेकिन वो बोल कुछ नहीं रहा है। तब मैं फिर मौके पे गया था और मौके पे जाकर वो बाबा से बात करी तो बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों बाबाओं को मैं लेके आया था, मेडिकल परीक्षण कराया, मृतक को लेके आया, पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम मेडिकल परीक्षण कराने के बाद फिर उसका दाह संस्कार किया गया। तो लगभग सर आप अभी तक की आपकी इस करियर में आपने लगभग कितने थानों में अपनी सेवाएं दी हैं थाना प्रभारी के तौर पर? मैंने करीबन 138 थानों में सेवाएं दी हैं। तो इन थानों में आपके रहते हुए ऐसी कुछ मुख्य वारदातें रही हो जो काफी बड़ी मानी जाती हैं और उनमें काफी सुराग हाथ लगे आते हो, आरोपियों को क्या क्या सजा हुई, इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? जो अभी 47 साल की सजा है वर्तमान में सजा काट रहा है। ऐसे एक 79 कला की घटना थी, उसमें भी उसको आजीवन कारावास मिला था और मृत्यु होने के उपरांत तक उसको भोग लेते। ऐसे कई मर्डर की घटनाएं जिसमें सजाएं हम लोग कर हत्याओं के प्रकरण की विवेचना तो बहुत करते हैं लेकिन अधिकांश जिसमें फिजिकल एविडेंस अच्छी मिल जाती है और गवाह अच्छी मिल जाती है, ब्लड और उसके सैंपल हो जाता है मिल जाती है, उस पर क्या होती है कोर्ट में सजा हो जाती है। अधिकांशतः मर्डर के जो गवाह होते हैं वो डर के मारे भाई के मारे बदल जाते हैं कोर्ट में जाके, जिसके कारण आदमी हो जाता है। फिर भी मेरे द्वारा करीबन नहीं कुछ तो 60-70 करीब हत्या को प्रकरण की विवेचना की होगी, जिसमें करीबन 33-36 मामलों में आजीवन कारावास और मृत्यु उपरांत तक देने की सजा से दंडित किया गया है। और भी कई विवेचनाएँ की है। जब मैं बाजना थाने में था उस समय भी एक ऐसी घटना हुई थी जो भील आदिवासी हुआ महसूस नहीं किया, अनपढ़ शिक्षित थे लेकिन ये लोग बड़े दिमाग से बड़े टेक्निक से क्राइम करते हैं। क्राइम करने का इनका तरीका ही बड़ा अजीब गरीब होता है और वहाँ पे बदला लेने की एक प्रथा होती है। वहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई थी जो सौत अपनी वहाँ क्या डाफड़े बना के खेतों पर रहते हैं आदिवासी, तो एक सौतन ले आया था। तो उस सौतन से जो उसकी पत्नी परेशान थी तो उस पत्नी ने उस सौतन की हत्या की थी और अपने पति को कहा कि तुम ही हमारे साथ जेल चलोगे, तो उसने कुल्हाड़ी से कहा कि आप मरी हुई महिला को तुम ही मारो, दो दिन कुल्हाड़ी ताकि तुम ही हमारे साथ जेल में, तो मतलब उसने सौतन के साथ संबंध बनाने लगा था और बहुत ही कर लेती थी। लेकिन फिर उसको उनके माँ बाप ने दूसरे घर से व्यू रचना दस के बहू से ये रिपोर्ट करा दी के साथ वो झगड़ा जिससे हुआ था उन लोगों ने आगे मेरी बहू को मार डाला। लेकिन जब विवेचना के दौरान उसकी बाड़ी देखी गई, ये देखी गई तो ये घटना रात की थी, उसकी बाड़ी भी कंपोज हो गई थी, ये हो गई थी, उसके मुट्ठी में मृतक की मुट्ठी में महिला के बाल थे, ये सब देखते हुए जब जो महिला से अलग से पूछताछ की गई और उसका घूंघट को घूंघट उठा के बात कर वो कर रही थी, घूंघट हटाया गया तो उसके बाल जो है पूरे खून से सने हुए थे, ब्लाउज था, ब्लाउज का एक बटन और वो घटनास्थल मिला था उसका टूटा हुआ था और कपड़ों में भी काफ़ी ब्लड के निशान थे, तो उसके कपड़े में जब करके चूँकि FIR उसकी तरफ से हुई थी, फरियादी पहले वो बन गई थी, फिर उसके बाद वो मुलजिम दूसरों को बना दिया था, वो मुलजिम भी उस दरमियान हम लोग पकड़वाए थे और उनने डर के मारे या भाई के मारे अपनी ससुर की दे दी थी कि हाँ हमने मारा, लेकिन वो भाई के मारे उनने दी थी। लेकिन यथार्थ घटना पूरी बदल गई, फिर उसकी विवेचना करके उसकी उसको उसके पति को और उसके सास ससुर को चारों को मैंने मुलजिम बनाया था, लेकिन 700 तो न्यायालय से बरी हुआ है 120 दिन में, लेकिन वो पति पत्नी को 120 साल की आजीवन कारावास से बंदी है। साथ ही खराब जो PHQ में रहे गैस क्रांति के समय उस समय भी कुछ ये तो एक बहुत अजीब घटना हुई थी। जब मैं पुलिस मुख्यालय में था तो ये अपना पुलिस पेट्रोल पम्प जो है पुलिस पेट्रोल पम्प के बाजू में हमारा तो हमारे मामा कमांडेंट थे तो उनके साथ में रहता था, तो पेट्रोल पंप के जस्ट बाजू वाला हमारा बंगला था। हम लोग रात को 12:30-1 बजे करीब
एक काम से हवेली अस्पताल गए थे, वहाँ से लौट के आए थे घर पर करीबन 3-4 बजे जानकारी मिली। काफ़ी ठंड थी, दिसंबर का समय था, काफ़ी ठंड थी। तो रात में तो क्या हुआ कुछ पता नहीं लगा, सवेरे से ही हल्ला हुआ जैसा गैस फट गई है, गैस फट गई है और यूनियन कार्बाइड की, उससे काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी लिए। तो हम लोग भी हवेली अस्पताल यूनियन कार्बाइड के ऊपर देख के भी आए थे, हवेली अस्पताल भी गए थे। फिर उसके बाद 11 बजे करीब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे अपने वापस किए हुए। तो 11 बजे करीब क्या हुआ कि जब यूनियन कार्बाइड में जनता ने कुछ आग लगाने की कोशिश की, ये की तो पुलिस ने शायद उसको क्लियर गैस का उपयोग किया किया और लोगों ने ये महसूस किया कि ये शायद गैस पर से फट गई, क्योंकि टीयर गैस में भी वैसे ही आँखों में जलन और वो होती है। तो फिर जो अफवाह उड़ी कि साहब गैस पर से लग गई, तो उस समय पूरा भोपाल, मतलब पूरा भोपाल जो पुराना भोपाल था, तो वो वहीं लाल परेड ग्राउंड के सामने से इतनी स्पीड में जनता निकली है कि हम लोग लाल परेड के ग्राउंड की तरफ थे, तो अपने घर की तरफ वापस आने में निकलने में कम से कम 1.5-2 घंटा 3 घंटा मशक्कत करने के बाद, क्योंकि हमें भी अब अपने घर वालों को लेकर भागना था, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली थी। फिर रेडियो और उसके माध्यम से ये होने लगा कि ये अफवाह है, कोई नहीं लगो, लेकिन फिर भी जनता करीबन 50-60% जनता जो है भोपाल के बाहर थी और हो गई थी, और लगातार बाहर होना रुक नहीं रही थी। रेडियो मैसेज और वो होने के बाद भी, सूचना होने के बाद भी, पुलिस द्वारा प्रचार करने के बाद भी जनता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपना सुरक्षित गैस से हम बच जाएं, सुरक्षित भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय गैस के समय भी ठंड ज़्यादा थी, गैस नीचे की तरफ थी, ऊपर और निकाली कोहरा ज़्यादा था घना। तो जो लोग दौड़ के भागे उनको गैस लगी है और वो ही बने, जो लोग घर में सोते रहे उनका कुछ नहीं हुआ था। हाँ, गैस थोड़ी बहुत जो गई थी, तो फिर जब यहाँ राहत देंगे ये देंगे वो देंगे शुरू हुआ, तो फिर अस्पतालों में एडमिट होना शुरू हुए, लोग आदमी जो है अस्पताल में हम लोग ने बहुत मदद की है लोगों को भर्ती कराना। वो देखा जाए तो अपने समाज के अंदर पुलिस को लोग सही नज़रिए से नहीं देखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता पुलिस अपना काम बखूबी करती है, फिर भी जनता के सामने अपनी इमेज क्यों नहीं बना पा रही, क्या कारण है इसके? इसका एक तो मूल कारण ये है कि पुलिस जो काम करती है वो, उसके दो पक्ष होते हैं हमेशा, पर हमें दो पक्ष होते हैं, एक तो रिपोर्ट करने वाला होता है, एक जिसके खिलाफ रिपोर्ट होती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती, उसमें आप रिपोर्ट जरूर कर गए साहब ने हमसे पैसे लिए थे 5,000 रुपये वापस नहीं कर रहे हैं, या साहब मकान में हमारे कब्जा कर लिया खाली नहीं कर रहे हैं, और तो हमारे खेत उनने जबरन बोल दिया जबकि हम आए हैं, वो दूसरे का है जो डिस्प्यूटेड जमीन का होता है। तो इसमें पुलिस का काम हस्तक्षेप करने का नहीं है, पुलिस वो तो एक लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए मौके पर जाके 116 की कार्रवाई और ये कर देती है, ताकि लोगों को ये रहे कि भाई ये झगड़ा आगे ना बढ़े, इसलिए कार्रवाई करती है। लेकिन वो एक्चुअली में पुलिस का उस पर हस्तक्षेप का काम नहीं होता, वो काम होता है कि आप कोर्ट में जाओ दावा लगाओ और उसके बाद पकड़ को जाओ। तो अक्सर अमूमन 50% जनता जो जिसका काम हो जाता है वो सोचती है, जिसका काम नहीं हो जाता वो सोचती है कि इनसे पैसे ले लिए तो इनने इनका काम कर दिया, और जो जनता अनावेदक है, अगर अनामेदक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आवेदक सोचता है कि पुलिस ने अनामेदक से पैसे ले लिए इसलिए हमारा काम नहीं कर रही, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। पुलिस कई मामले में हस्तक्षेप करती नहीं है, न करना चाहिए, अगर वो करेगी तो वो खिलाफ कार्रवाई कर रही। इस कारण से 50% लोग को पुलिस से वैसे ही नाराज रहते, दूसरा 50% पुलिस की प्रतिक्रिया देख के नाराजगी व्यक्त करते हैं, आयोग की दिक्कत पैदा करती है, ये करती है, जैसे आम तौर पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं होती हैं, यातायात की व्यवस्था होती है, सड़कों पर ठेले लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो पुलिस वाला जाता है हटा हवाई 4-5 बार समझाता है, उस समय कोई ये देखता नहीं है कि पुलिस वाले आके इनको समझा रहे हैं। लेकिन अगर मान लो 5 बार तक वो समझाने से नहीं मानता तो 6वीं बार आके उसको डांटता है, चिल्लाता है कि तुमने बार बार कहने के बाद, तो 6वीं बार जब वो चिल्लाता है तो उसकी तरफ पूरे समाज का ध्यान चला जाता है, तो समाज ये कहती है कि देखो पुलिस जो है बदतमीजी कर रहे हैं। वो 5-6 वक्त की पुलिस ने प्यार समझाया, वो चीज़ को समझाया को उन्होंने देखा ही, इसलिए वो ये समझते हैं कि पुलिस इनके साथ गलत हरकतें कर रही है, इस कारण से पुलिस के विरुद्ध लोग जाते हैं। दूसरी चीज़, पुलिस
कानून का पालन करती है वो कराती है। कानून का पालन करते हुए तीन आदमी बैठे हैं उसको टोकेंगे, चार सवारी जा रहे हैं उसको टोकेंगे, बिना नंबर के जा रहे हैं, हालांकि जो उनकी सुरक्षा के लिए करती है, हेलमेट नहीं लगा रहे तो उसके लिए टोकेंगे, जैसे अभी मास्क नहीं लगा रहे तो उसके लिए टोकेंगे, तो वो उस चीज़ को बुरा महसूस करती है कि हम फलाने हैं हमसे ऐसा कह दिया, हम फलाने हैं हमसे ऐसा कह दिया। मैं 2000 में रतलाम जिले में बाजना थाना पड़ता है, टोटल ट्राइबल है, 100% ट्राइबल है, 95% मान लो 5% जो व्यवसायी लोग हैं, बस वो व्यवसायी 5% लोग वहाँ बाजना में रहते हैं, बाकी 95% ट्राइबल है। तो वहाँ पे एक प्रथा है कि वहाँ आदिवासियों को कोई भी कार्यक्रम अपने स्वामी जी यूट्यूब के लिए 5 लीटर बना सकता है, कोई कार्यक्रम होगा बच्चे होगा दस्ट होने या कोई भी तो उसे 25 लीटर शराब बना सकता है, कोई शादी ब्याह हो तो 50-100 लीटर तक शराब बनाने को उनको शासन द्वारा छूट प्राप्त है। और जो उनके कार्यक्रम कोई सी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो उस कार्यक्रम में उनके यहाँ सब लोग समूह बना के गोल घेरा बना के शराब पीते हैं और एक आदमी उससे ओख में शराब पिला पिला के चारों तरफ घेरे बनाए सबको शराब पिलाता। तो ऐसी हमारी बाजना में घटना हुई थी, वहाँ डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा, शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी का ऑपरेशन जिनने घुटनों पर किया था, उनके छोटे भाई वो बाजना रतलाम में MSP मास्टर सर्जरी, और मैं उन डॉक्टर साहब के कार्य कार्यशैली देखी, उनकी कार्यशैली इतनी बढ़िया थी वो ट्राइबल क्षेत्र में कि उनका ट्रांसफर कोई भी शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरे ट्राइबल उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, वो बड़े त्याग और बलिदान से उन्होंने डॉक्टरी वहाँ पेशा किया और गवर्नमेंट डॉक्टर थे। लेकिन अचानक घटना ये हुई कि आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, जो थाने से 5-7 किलोमीटर दूर था, कोई भी मोटरसाइकिल में बैठ के आया, बताया गया साहब वहाँ कपास के पेड़ में कहीं 40-45 आदमी खड़े हैं और वो उल्टियाँ कर रहे हैं, खून से शुगर छूट रहा है उनका, वो वहाँ खान गड़ा हो रहा था, तो वहाँ खाना खा के आए दो डॉक्टरों। तो इस सूचना में हमने डॉक्टर साहब को सूचना की, डॉक्टर साहब के साथ गाड़ी से अस्पताल की गाड़ी से डॉक्टर स्टाफ अपना लेके हम पुलिस स्टाफ लेके वहाँ पहुँचे, तो वो 40-42 आदमी, तो डॉक्टर ने बताया कि यार इन्हें जहरी की शराब पी ली है जिसके कारण इनको जो दिक्कत हो रही है, और शराब में कपास की दवाई, कपास में जो डालते हैं उसकी दवाई दुकान की गई है जिसके कारण इनको ये दिक्कत आ रही है। वो उन 40-42 आदमियों को उस समय अस्पताल ले जाने के लिए कोई साधन नहीं थे, 2000 में इतने साधनों की कमी थी, तो उन सबको पूरा ट्रैफिक रोका गया दूसरी तरफ का, और फिर पूरे आदमियों को सड़कों पर बाढ़ बना दिया गया, सड़कों पर गटा गई इमीडिएट में, और वो जो दवाई कपास की दवाई डालने की थी वो 5 इंजेक्शन उसके उनके पास अवेलेबल थे हॉस्पिटल में, कुछ और मिल गए, बाकी सब रतलाम होकर से मिलाया गया, और उनको सबको बाटर चला के और वो इंजेक्शन का कुछ कुछ हिस्सा हर एक के में डाल के ऐसे जितने इंजेक्शन आते जाए वैसे हमने आपने वो किया, और 5-6 बजे तक 7 बजे तक कोई भी आदमी उसमें मृत्यु नहीं हो पाए, और करीब 10-11 बजे कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब सभी लोग आए, जहरीली उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उनको सैनिक अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था कराई, सिविल अस्पताल जब पहुँचे तो रात को 12-2-3 बजे से फिर सूचना आने लगी कि साहब एक मर गया, 2 मर गए, 3 मर गए, यहाँ से 8 आदमी उसमें से मृत्यु हुई, और उसी में फिर वो पतला प्रथा होती तो वो लाश बाद में जलाते हैं, पहले उनके नुकसान कर देते हैं जिसके यहाँ वो भोजन कर रहे थे, तो उनको सुरक्षित हम लोग लाए अपने थाने की हवालात में बंद किया, क्योंकि ये दोषी वो नहीं थे, वो तो उनके शराब कहीं और हर अन्य जगह से खरीदी थी, क्योंकि वो पंडा बन जाते हैं तो वो शराब ना पीते ना पिलाते। तीन दशकों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो नए युवा साथी हैं जो इस पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या अनुभव देना चाहेंगे? वैसे जो भी युवा है वो मैं तो हर एक युवा से अपेक्षा करूंगा कि पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन सोना जितना तपता है उतनी चमकता है, तो मेरा तो सभी से योगदान कि पुलिस की सेवा, पुलिस की नौकरी में जो लोगों की जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है, शायद उतनी सेवा करने का अवसर किसी जॉब में या किसी सरकारी नौकरी में नहीं मिलता, इसमें रहते हुए आपको समाज को अपने
परिवार से तो भले ही दूरी रहती है लेकिन समाज की सेवा करने में बहुत ज़्यादा अवसर मिलते हैं और इतने अच्छे अवसर और अन्य विभाग कृषि विभाग में मिलते हैं। सभी को ये अपेक्षा करूँगा कि करें, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है, 5 बजे सवेरे से उठ के दौड़ना है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, क्योंकि इसका आर्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी टिपिकल होते हैं और आदमी इसमें परीक्षाएं भी कई होती हैं, रिटन टेस्ट पास कर लिया, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आईपी होगा, फिर साइकोलॉजी का टेस्ट होगा, फिर मनोवैज्ञानिक होता है, इस प्रकार कई टेस्ट होने के बाद फिर चयनित होते हैं आदमी। और लोग ये सोचते हैं कि सिफारिश से काम होता है, मेरी नज़र में सोचो मेरे भी कई रिश्तेदार वरिष्ठ अधिकारी थे पुलिस में, वो मैं 6 साल सफर किया था, 6 साल मैंने लगातार इंटरव्यू किया था, 7वीं बार में मैं सफल हुआ था, तो हो सकता है कि कहीं अपना कुछ कमी रह जाती है, यदि सफलता में तो अपन को इस तरह दोष किसी और पर नहीं देना चाहिए, अपन को अपन के ऊपर लेना चाहिए कि शायद हमारी प्रयासों में कोई कमी नहीं है। तो मैं सभी से ये अपेक्षा करूँगा कि अधिक से अधिक पुलिस की जॉब में आना चाहें वो आएँ, नौकरी करें, ऐसी जनता की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर है। और मैं तो अपने आप को ईश्वर का आभार मानता हूँ कि उसने हमें हमारी जिद को पूरी कर दिया, क्योंकि मेरे को बहुत शौक थी कि मैं पुलिस में जाऊँगा, नहीं तो मेरी रेलवे में भी नौकरी लगी, बैंकों में भी नौकरी लगी, लेकिन मैंने वो ज्वाइन ना करते हुए मैं पुलिस में ही आने के इच्छुक था और ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी करी और मेरा 30 सितंबर को रिटायरमेंट है। 33 साल की नौकरी में मेरी ना तो कभी पुलिस लाइन अटैचमेंट हुआ, ना मेरी एक भी व्यवहारिक जाँच हुई और ना ही कोई मेरे को ऐसा गंभीर परिस्थिति मिला। भगवान के पास सजाएं छोटी मोटी तो मिलती रहती हैं, लेकिन 33 साल की सेवा काल में एक भी विभागीय हमारी जाँच नहीं हुई, ना किसी प्रकार की कोई गंभीर जाँच हुई, जिसके कारण मेरे को कोई आरोप प्रत्यारोप कर सकता। अभी तक आपने देखा गैरतपुर थाना प्रभारी श्री प्रदीप शुक्ला जी से हमारी विशेष चर्चा, जो 3 दशकों तक और पुलिस जैसे विभाग में अपनी 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निष्पक्ष तौर पर इन्हें अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और 30 सितंबर 2020 को श्री प्रदीप शुक्ला जी का रिटायरमेंट है, हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।